स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपके लिए लेके आया हूँ आज की क्लास में प्रॉब्लम ऑन एज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन अधिक से अधिक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। हम आपको पूरी ट्रिक पे लेके चलेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित प्रश्न। तो उम्र पर आधारित प्रश्न के समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा सुंदर सी, प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित प्रश्न। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास तीन वर्ड हो सकते हैं कि आपके सवाल में यूज किए जाएं, जिसमें पहला होता है, दूसरा होता है था और अगला होता है होगा। तो ये तीनों के तीनों वर्ड क्या हैं आपको पता है? ये तीनों के तीनों वर्ड जो है वो समय के सूचक हैं। तीनों के तीनों वर्ड समय के सूचक हैं। अगर आपके सवाल में है वर्ड आया है और आपको ये नहीं बताया गया है वर्तमान, तो आपको समझ लेना है कि वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। अगर होगा आया है तो वो भविष्य की बात करेगा, और अगर था आया है तो वो बीते हुए समय की बात करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का जो योग है वो कितना है, 20 साल है। इनकी आयु का जो योग है वो 30 ईयर है, 30 वर्ष है। और मैं आपसे कहूं कि बताओ आफ्टर फाइव ईयर इनकी एज कितनी होगी, आफ्टर फाइव ईयर इनकी एज कितनी होगी, तो यहां पर गलती क्या हो जाती है, तुरंत आप लोग क्या करते हैं, इसमें 5 ऐड कर देते हैं और आप बोल देते हैं 35 हो जाती है, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि यहां पर फैमिली में दो मेंबर हैं, फैमिली में दो मेंबर होने की वजह से दोनों लोगों का 5-5 ऐड होगा, 5-5 ऐड होगा, मतलब इसमें 10 ऐड होगा। तो यहां पर हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ ए एंड बी इज 40 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसे आगे यूज करना पड़ेगा जब एवरेज पे आधारित क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया योग पर आधारित। अगर हमें पहले जाना है तो माइनस करना पड़ेगा फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे, और अगर बाद जाना है तो फैमिली में जितने मेंबर होंगे उनका हमें क्या करना है, उतना उतना ऐड करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? अगले पॉइंट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 3 आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी डिफरेंस दिया है, जैसे मैं कहूं कि ए और बी दो लोग हैं, इनकी उम्र का अंतर जो है वो 10 साल है, ए और बी दो लोग हैं, इनकी उम्र में जो अंतर है वो कितने साल का है, 10 साल का है, ठीक है? तो अब बताओ ये 5 साल पहले अंतर कितना रहा होगा या 5 साल बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, या तो 5 ऐड कर देते हो या तो 5 माइनस कर देते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये अभी भी 10 ही रहेगा, ये अभी भी 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उम्र का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे 4 साल बड़ा हूं, तो 4 साल बाद मैं आपके बराबर नहीं हो जाऊंगा, आप भी 4 साल बढ़ोगे, मैं भी 4 साल बढ़ूंगा। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंस 4 का ही रहेगा। तो आपको बात ये याद रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में जो डिफरेंस होगा वो व्यक्तियों का हमेशा सेम होगा, एज का, चाहे कुछ दिन पहले हो चाहे कुछ दिन बाद। तो अगर आप ये तीन के तीनों पॉइंट समझ गए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम सवालों को बनाएं कैसे, इन सवालों को हम बनाएं कैसे। तो हम अगर एज के पूरे चैप्टर को हम 100% आपको कह दें, तो हम इसे लगाने के लिए 3 तरीके यूज करेंगे। इसे हम लगाने के लिए 3 या 4 तरीके हम यूज करेंगे। आप 4 तरीकों को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर 4 तरीके यूज करेंगे, आप 4 तरीकों को बहुत ध्यान से समझना है। देखो जो अंतिम तरीका होता है वो होता है औसत पर आधारित प्रश्न। आपके सवाल में होता है एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रॉब्लम ऑन एज में, वो भी आपको ध्यान से समझना है। तो
तो हम वहीं से एवरेज की भी शुरुआत कर देंगे, ठीक है। उसके पहले जो होता है वो एक रेशियो पे सवाल दिए होते हैं, रेशियो मेथड हम इसे बोलते हैं, जिसमें बोलेगा कि ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 5 साल बाद इतना हो जाता है, ठीक है। और इस सवालों को हम ऑप्शन के बेस पे भी लगा सकते हैं, हम इन सवालों को ऑप्शन से भी आसानी से लगा सकते हैं, और आप इसे अभी तक लगाते थे एक्स वाले मेथड से, सबसे ज्यादा आप यूज करते थे एक्स वाला मेथड और आप सबसे ज्यादा काम इसी पे करते थे। तो अब आपको ध्यान देना है कि सबसे कम काम जो करना है वो एक्स वालों पे करना है, सबसे कम काम जो है वो एक्स वाले मेथड पे करना है। जब कोई सवाल इनमें से किसी मेथड से नहीं बनेगा तो हम उसे क्या बनाएंगे, एक्स वाले से बनाएंगे, क्योंकि एक्स वाला समय ज्यादा लेता है, ठीक है। तो अब आपको यह भी जानना है कि कौन सा सवाल ऑप्शन से बनेगा और कौन सा सवाल ऑप्शन से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन से हमेशा वो क्वेश्चन बनता है जिसमें पर्टिकुलर एज पूछी जाती है, जैसे राम की एज बताओ, श्याम की एज बताओ, राधा की बताओ, मोहन की बताओ, गीता की बताओ, तो ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से बना सकते हैं ऑप्शन से। लेकिन अगर आपके सवाल में ऐड पूछ लिया गया है कि राम और श्याम की आयु का योग बताओ, तो वो सवाल ऑप्शन से लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपसे रेशियो पूछ लिया गया है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब है अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपसे पूछी जाएगी ऑप्शन में, तो उस सवाल को रेशियो से आप ट्राई ना करें, काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर रेशियो से कौन सा सवाल लगेगा, और रेशियो मेथड से वो सवाल लगेगा जिसमें आपको अनुपात दिया हो, कहेगा ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 5 साल बाद इतना हो जाएगा, क्लियर। तो एक बात ये भी है, रेशियो से कौन सा सवाल नहीं बनेगा, तो रेशियो से भैया वो सवाल नहीं बनते हैं, रेशियो से वो सवाल नहीं बनते हैं जिसमें ऐसे दिया हो कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक हो। अगर केवल अधिक दिया होता तो उसे हम बना देते हैं अब रेशियो से, लेकिन अधिक की वजह से, जो 3 वर्ष अधिक दे दिया है उसकी वजह से हम रेशियो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये तरीके हो गए। और एक क्वेश्चन होता है जो पूरा का पूरा औसत पे आधारित होता है, एवरेज पे आधारित होता है, कहेगा कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र इतनी है, 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो ऐसे जो सवाल होंगे वो एवरेज पर आधारित होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एज के पूरे चैप्टर को हमने टाइप में बांट दिया है, एज के पूरे चैप्टर को हमने टाइप वाइज बांट दिया है, और अब हम टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिक बातें आप जो है अच्छे से समझ गए हैं, ये बेसिक बातें आप अच्छे से समझ गए हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 से। और टाइप नंबर 1 एकदम बेसिक होगा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, ऐसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 1 से, और आपके सामने आ रहा है हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई भी डाउट आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कह रहा है द सम ऑफ परसेंटेज ए एंड बी 22 ईयर, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 22 वर्ष। ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना है, 22 वर्ष है। फिर कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यदि ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। आपको देखना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, और कह रहा है जो ए है बी से 4 साल बड़ा है, जो ए है वो बड़ा है किससे, बी से। तो अगर इसको हम एक्स वाले मेथड से बनाएं तो बी को हम मान लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो बी से बड़ा है। लेकिन कुछ लोग इसको x मानना चाहेंगे तो बिल्कुल मान लें, अगर इसको x मानेंगे तो आपको इसे मानना पड़ेगा x माइनस 4। आप देखोगे कि दोनों की दोनों कंडीशन में बड़ा कौन है, a बड़ा है, दोनों की दोनों कंडीशन में कौन बड़ा है, a बड़ा है, तो हम इससे लगा सकते हैं। और दोनों का योग कितना दिया है, 22, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस b बराबर हो जाएगा 22। हम a के स्थान पे a की वैल्यू रख देंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा x, x कितना हो जाएगा 2x, बराबर में हो जाएगा 18, और x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 9। अगर x की वैल्यू 9 आएगी तो हमारा आंसर तो 9 होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है
ए के बारे में। अगर बी के बारे में पूछा गया होता तो हमारा आंसर होता नाइन, लेकिन हमसे पूछा गया है ए के बारे में, तो हम ए के बारे में एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 4, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आपने देखा कि हमने इसको एकदम बेसिक से, एकदम आसानी से बना लिया है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इस सवाल को ऑप्शन से बनाने की तरफ, कि इस सवाल को हम ऑप्शन से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आपने देखा कि ए की पर्टिकुलर एज पूछी गई है, अगर ए की पर्टिकुलर एज पूछी गई है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से ऑप्शन से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि क्वेश्चन में ए प्लस बी की आयु कितनी दी है, 20। एक बात आपको और बता दें कि ऑप्शन से लगाने का सीधा मतलब होता है कि जो ऑप्शन सवाल की सभी कंडीशन को पूरा करेगा, जो सवाल सभी कंडीशन को पूरा करेगा ऑप्शन, वही आपका उत्तर बनेगा, कोई भी कंडीशन बचनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, ए और बी की आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है, और फिर कह रहा है ए जो है बी से 4 साल बड़ा है, और अगर ए की उम्र पूछी गई है तो ये सारे के सारे ऑप्शन किसके लिए हैं, सारे के सारे ऑप्शन हैं ए के लिए। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ए की उम्र 13 रही होगी, अगर ए की उम्र 13 रही होगी तो दो, ए की उम्र अगर 13 रही होगी तो बी की कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ देखो 4 साल बड़ा है, कौन, ए 4 साल बड़ा है, तो बी कितने का होगा, 9 का होगा, तो अगर दोनों का योग 22 हो जाएगा तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देख लो दोनों का योग 22 हो रहा है, दोनों का योग 22 हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा है, पहला ही हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है 2 बार 3 बार आप इसे देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ के देखें, आपको लगेगा कि सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू आप पढ़ें, और इस क्वेश्चन को हम नहीं बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका है, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट कैसे करेंगे आप, कमेंट आप ऐसे करेंगे, आप लिखोगे सर टाइप नंबर 1 का 2 क्वेश्चन में इसमें क्या आया है, जो भी आपका आंसर होगा आप यहां पर आंसर लिखो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये 2 नंबर आपका है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको समझाएंगे, और इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, एक आपके लिए छोड़ेंगे, एक हम समझाएंगे, एक आपके लिए छोड़ेंगे। तो आप उसे बनाओगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अरे वाह हमने तो बना लिया है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर डिफरेंस दिया है, पहले वाले में ऐड दिया था और यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस दिया है कि ए और बी की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की 2/3 है, ध्यान से समझेंगे इस बात को, कह रहा है जो बी की आयु है वो ए की आयु का 2/3 है, जो बी की आयु है वो ए की आयु क्या है, 2/3 है। तो अब मुद्दा ये है कि हम ए को कितना माने कि बी निकल जाए, ए को कितना माने कि बी निकल जाए। तो भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, अगर आप इसको एक्स मानोगे तो बी की उम्र होगी 2x/3। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि ये फ्रैक्शन ना बने, अगर बी की, अगर ए की उम्र आपको एक्स एज्यूम करोगे तो बी की उम्र आ जाएगी 2x/3, और ये फ्रैक्शन बहुत खतरनाक चीज होती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 3 कितना होता है, आप कहोगे सर तुरंत कहोगे कितना होता है, 5 होता है, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। लेकिन अगर वहीं मैं पूछ लूं कि 2/3 और 4/7 कितना होता है, तो अब आप कहोगे सर रुक जाइए लासा वासा ले लेते हैं तभी बता पाएंगे। तो इससे बात सिद्ध होती है कि सिंपल नंबर की तुलना में फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना कठिन होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, हर चैप्टर में कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर हो आपको फ्रैक्शन से बचनी है, अब वो चैप्टर फ्रैक्शन ही ना हो, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ क्या करें, अगर ए को हम क्या मान लें, हम जो ये हर नंबर दिया है 3, अगर इसको हम 3x मान लें, अगर ए की उम्र को हम 3x मान लें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और बी की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी, बी की उम्र आ जाएगी 2x। तो यही चीज आपको सीखनी है,
यही चीज आपको सीखनी है कि जो नंबर बटे में दिया होगा हम उसी को ही एज्यूम कर लेंगे, जो नंबर बटे में दिया होगा हम उसी को ही एज्यूम करेंगे। तो इस सवाल को देखते ही हमें कहना चाहिए था कि हमने माना कि ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी, फिर 2x हो जाएगी, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 7, 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू 7, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 7। अगर x बराबर 7 है तो हमसे पूछा गया है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो a का उम्र हो जाएगा 3 × 7, a का उम्र हो जाएगा 3 × 7 21। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे ऑप्शन से लगाने की ट्राई जरूर करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप भी तो कुछ मेहनत करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। आइए अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 आपने अच्छे से समझा, देखा और आपको मजा आया। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 5 साल बाद ये अनुपात 3:4 हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इस सवाल में रेशियो दिया है, अगर रेशियो दिया है तो हमने पहले ही बताया था कि रेशियो मेथड से लगाना बेस्ट रहेगा। हम इसे एक्स से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो एक्स और ऑप्शन वाला आप खुद से ट्राई करिए। हम बताते हैं रेशियो मेथड क्या है। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि ए और बी की आयु का अनुपात, क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, और ये 5 साल बाद कितना हो जाता है, आप ध्यान से देखो, ये आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद कितना हो जाता है, आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाता है, क्वेश्चन में दिया है कितना हो जाएगा रेशियो, 3:4, 3:4 हो जाता है। तो आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है, तो आप हमारी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले आप देखो डिफरेंस कितने ईयर का है, 5 ईयर का है, और यहां अगर हम रेशियो में डिफरेंस देखें कितने का है, तो रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 का, रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, जो ईयर में अंतर कितने का है, 5 का है। और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जगह पर एक एक का डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस बराबर ना होता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर यहाँ बराबर है तो इस क्वेश्चन को हम तुरंत लगा सकते हैं। कैसे, हम कहेंगे एक रेशियो की वैल्यू है 5, अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 है और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है ए की वर्तमान उम्र, और ए की वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है, 2 है, ए की वर्तमान उम्र का रेशियो कितना है, 2 है, तो हमें 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 2 हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 10 ईयर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमने क्या किया है, हमने रेशियो में और ईयर में रिलेशन निकाल लिया कि 1 की वैल्यू जो है वो 5 वर्ष के बराबर है, अगर 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ईयर के बराबर हो जाएगी। अगर यहां कहता बी की उम्र बताओ तो हम इसको 3, 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 3 = 15 हो जाता। अगर कहता ए की 5 साल बाद की उम्र बताओ तो 5 ईयर आफ्टर का रेशियो ये है, जहां का पूछेगा हम वहां के रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर कहता ए का 5 साल बाद बताओ तो हम वर्तमान में 5 जोड़ के भी जा सकते थे, और हम सीधे यहां गुणा कर देते 5 × 15, तो इसका आंसर हो जाता 15 वर्ष। तो ये हो गया हमारा रेशियो मेथड, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, और आपको पता है कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर देंगे, आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर देंगे अगर आपने पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आपके लिए है और ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये हमारा जो था ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, ये जो है टाइप नंबर 3 आ गया है, टाइप नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम देखेंगे टाइप नंबर तीन। तो टाइप नंबर तीन जैसे ही हम पढ़ते हैं कह रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 है, फिर रेशियो दिया है, फिर रेशियो मेथड से लगाएंगे। कैसे? हम लिखेंगे कि पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, 5:6 है। और 8 ईयर आफ्टर, आफ्टर 8 ईयर क्या दिया है कि ये हो जाएगा 9:10, 9:10 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया है, आपको देखना है कि वर्ष में अंतर कितने का है, 8 ईयर का है, और रेशियो में अंतर आपको देखना है। तो रेशियो में अंतर कितना आ रहा है, 4 का। रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का, और ये दोनों अंतर सेम है इसीलिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो 4 रेशियो की वैल्यू है 8। हम यहां से कह सकते हैं कि 4 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्यू की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 6 है। क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 6 है। तो हमें 6 की वैल्यू बतानी है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6×2=12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा होगा, और आप किताब उठा के उसके सवालों को जरूर लगाएं और इन एप्लीकेशनों का आप यूज करें। जब आप इनका यूज करेंगे तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू भी हम जरा लगाते हैं तो आप इसे अच्छे से समझ जाओगे, और अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। क्वेश्चन में दिया है कि पी और क्यू की आयु का अनुपात है 5:7। फिर कह रहा है 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर ये कितना हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 9:11 हो जा रहा है। तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया है कि आपको रेशियो के बीच का डिफरेंस देखना है जो वर्ष के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आप देखो यहां पर अंतर कितने का, 4 का, और यहां पर अंतर कितने का, 4 का। ये दोनों अंतर बराबर हैं, जो कि बराबर किसके होंगे, 20 के। तो 4 की वैल्यू जो हो गई वो 20 के बराबर होगी। 4 की वैल्यू 20 वर्ष के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर होगी। अब आप देखो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पी की वर्तमान आयु कितनी है। तो पी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 5 है। तो हम इसे 5 जा कर देंगे 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5×5=25। और ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ए इसका सही आंसर होगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। आप इसे अच्छे से समझ गए हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, हर टाइप में आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क छोड़ा जाएगा, और आप उस होमवर्क को 100% ईमानदारी के साथ करेंगे, और करके घर पे नहीं बैठेंगे, जब आप उसे कमेंट करोगे तब हमें पता चलेगा कि आपने आंसर किया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, और अगला टाइप हमारे सामने है टाइप नंबर फोर। हर टाइप के प्रश्नों को दिखाना हमारा फर्ज है आपको, और आपको उन्हें लगाना आपका फर्ज है। टाइप नंबर 4 में क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में दिया गया है कि पी और क्यू की आयु का जो रेशियो है, सारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इन्हें ऑप्शन से भी बना सकते हो, एक्स से भी बना सकते हो, ठीक है। रेशियो क्या दिया है, 5:8 रेशियो दिया है, 5:8। कह रहा है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, ये अनुपात क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आफ्टर 4 ईयर हो चाहे बिफोर 4 ईयर हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। 4 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 2:3, 4 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 2:3। तो हमने आपको क्या बताया है, आपको देखना है डिफरेंस रेशियो में। तो हमने देखा यहां का अंतर कितना है, 5 है, और यहां का अंतर कितना है, 3 है।
अब वो बात समझनी है कि यहां पर दोनों का अंतर बराबर क्यों नहीं है। तो दोनों का अंतर जब बराबर नहीं होगा तब ये सवाल हमारा नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस अंतर को बराबर करना पड़ेगा। और इस अंतर को हम बराबर कैसे करेंगे, उस बात को आप ध्यान से सुने। इस अंतर को हम बराबर कैसे करेंगे, जैसे ही अंतर बराबर हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। अंतर को बराबर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसका अंतर ले लेना है, कितना आ जाएगा 1। इनका अंतर कितना आया, 1 आया। आपको यहां का भी अंतर लेना पड़ेगा और इसका अंतर कितना आ जाएगा, 3। मतलब अब आपको ऊपर के ऊपर रेशियो अंतर ले लेना है और नीचे का नीचे से अंतर ले लेना है। हमने अंतर ले लिया, अब आपको क्या करना है, जो ये अंतर आया है इस अंतर को ऊपर के रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, और जो ये अंतर आया है इस अंतर को नीचे के रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इतना करोगे और आप पाओगे कि डिफरेंस बराबर हो गया है। तो चलिए ट्राई करते हैं, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पुराने रेशियो को तुरंत हटा देना है। जैसे आप नए कपड़े लाते हो, पुराने कपड़े हटा देते हो, वैसे ही नया रेशियो मिलने पर पुराने रेशियो को हटा देना है। अब आप एक बार जरा नजर डालो कि 8 और 1 9, यहां का अंतर कितना हो गया 1, और 5 और 1 6 अंतर कितना हो गया 1। अब आप कहोगे सर मजा आ गया कि अंतर बराबर हो गया, और जैसे अंतर बराबर हो गया क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, हम कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी है, 4 ईयर। 1 की वैल्यू कितनी है, 4 ईयर है। और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि पी की वर्तमान आयु कितनी है, पी की वर्तमान आयु कितनी है, और पी का रेशियो कितना है, 5। तो 5 में 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20 वर्ष, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी। तो यहां से आपको क्या नया सीखने को मिला है, यहां आपने सीखा है कि हम रेशियो को बराबर कैसे करेंगे। और जब तक हम रेशियो को बराबर नहीं करेंगे, मतलब यहां का डिफरेंस बराबर नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप ट्राई करें एक बार, फिर आप इस वीडियो को देखें तो ज्यादा मजा आएगा। तो हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर टू कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:4। फिर दिया है 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले और बाद से कोई अंतर है नहीं, हमने कहा था कि 10 वर्ष पहले की ये बात है, 10 वर्ष पहले, ठीक है। कितना हो जाता है, 4:7, 4:7 हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर वर्तमान का पूछना है तो यहां पे गुणा करोगे, अगर पहले या बाद का पूछना है तो पहले या बाद के रेशियो में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करो, देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 7 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। तो आप कहोगे सर फिर ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो आप डिफरेंस बराबर करोगे। कैसे करोगे, अभी हमने समझाया कि आप इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, 3 आएगा, इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, 4 और 7 ही रहेगा। लेकिन जब इस 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा। और हमने कहा था पुराने वाले रेशियो को आप तुरंत हटा दोगे, पुराने वाले रेशियो के आप तुरंत हटा दोगे तभी आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो हटा दिया हमने, अब आप देखो यहां पर 7 यहां पर 12, अंतर कितने का, 5 का। यहां पर 5 यहां पर 9, यहां कितने का अंतर है, 5 का। अब अंतर हो गया है बराबर, और अगर ये अंतर बराबर हो गया है तो 5 का अंतर जो है वो 10 के बराबर है। 5 रेशियो की वैल्यू 10 है, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर। और हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, और ए की वर्तमान आयु ये नहीं लेनी है जो हमने काट दिया, आपको अब ये वाला लेना है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर नन ऑफ डीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर नन ऑफ डीज। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से भली भांति से समझ गए होंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लिए हैं तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है, एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन नहीं है तो हम आपको मिक्स क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
ये देखते हैं टाइप नंबर फाइव। टाइप नंबर फाइव का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंजलि की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, तुरंत आप भ्रमित हो जाएंगे। कैसे? कि सर अभी तक कहते थे कि रेशियो से बनाएंगे, रेशियो से बनाएंगे, इसमें तो रेशियो कहीं है ही नहीं। है, आप देखो तो ध्यान से, कह रहा है अंजलि की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो एक तरफ हम लिख देते हैं अंजलि, एक तरफ हो गई अंजलि और एक तरफ हो गया अंजलि का सन। तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रेशियो को पहले जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर अंजलि की अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो हम सन को मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सन 1 हो जाएगा तो अंजलि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये रेशियो आ गया, क्लियर। फिर दिया है कि आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर के बाद, After 12 year क्या हो गया है, अंजलि अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अगर अंजलि अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब है सन अब 1 होगा तो अंजलि कितनी होगी, 2 होगी। तो अभी तक हम जैसे क्वेश्चन बनाते थे, रेशियो गिवेन होता था, रेशियो आ गया। अब हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ये देखते थे कि यहाँ का रेशियो का डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस को इक्वल करेंगे। अगर हम डिफरेंस को इक्वल करते हैं तो हमने देखा यहाँ का अंतर 1 आया है और यहाँ का अंतर 2 आया है। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 2 2 4, 2 1 2 हो जाएगा। पुराने रेशियो को हटा देंगे, हमने आपको ऐसा बताया था। लेकिन अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखो डिफरेंस कितने का आया है, 1 का डिफरेंस आया है, 1 का। तो ये 1 का डिफरेंस बता रहा है, ये 1 का डिफरेंस बता रहा है कि 1 की वैल्यू जो है वो 12 साल के बराबर है। रेशियो में डिफरेंस 1 का है, ईयर में 12 का है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 12 साल के बराबर है, 1 की वैल्यू जो है वो 12 ईयर के बराबर है। और हमें बताना क्या है, अंजलि की आयु क्या है, है मतलब प्रेजेंट की, और प्रेजेंट का रेशियो उसका था 3, तो 3 की वैल्यू बतानी है, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36, और 36 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो ये अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार देखें, वीडियो को बार बार देखें, तब जाके आप समझ पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसा फिर है, क्वेश्चन नंबर सेम वैसा फिर है। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे टाइप नंबर 5 से। तो टाइप नंबर 5 का 1 क्वेश्चन हमने करवा दिया है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप नंबर 6। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप नंबर 6। और अब हम समझेंगे कि टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को कैसे बनाना है हमें ये समझना है। तो हेडिंग लगाएंगे टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं बहुत प्यार से। क्या दिया हुआ है कि 10 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। लेकिन 10 साल बाद 10 ईयर आफ्टर जो राम की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में 10 ईयर बिफोर भी दिया है, आफ्टर भी दिया है। तो ये जो बिफोर और आफ्टर होता है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा कहाँ से होता है, ये हमेशा प्रेजेंट से होता है। तो एक बार उन्होंने 10 ईयर बिफोर बताया है तो 10 ईयर बिफोर हम ऐसे लेना पड़ेगा हमें, और 10 ईयर आफ्टर बताया है 10 ईयर आफ्टर ऐसे लेना पड़ेगा, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो, ठीक है। 10 ईयर बिफोर 10 ईयर आफ्टर, तो जो ईयर का डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ईयर। ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ईयर का डिफरेंस हो जाएगा 20 ईयर। अब रेशियो देखते हैं, कह रहा है राम की आयु जो है, राम की आयु की 3 गुना थी, किसकी, श्याम की। तो हम इधर लिख देते हैं श्याम, इधर लिख देते हैं श्याम, और इधर लिख देते हैं राम। क्वेश्चन में बोला है कि श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुना थी, तो राम को हम मानते हैं 1, तो श्याम हो जाएंगे कितने, 3। फिर कह रहा है 10 साल बाद डबल हो जाएगी राम की आयु की, 2 गुना हो जाएगी। तो 10 साल बाद का रेशियो हम यहाँ लिखेंगे, भाई जहाँ का गिवेन है वही तो लिखेंगे। 10 साल पहले का दिया था तो हमने ऊपर लिखा, 10 साल बाद का दिया था तो हमने नीचे लिख लिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, अब आप देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस को इक्वल करते हैं।
डिफरेंस को देखते हैं तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर वन का डिफरेंस है, मतलब हमें इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करना हमने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, इसका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, वन आएगा। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, आप यहाँ देखो इसका डिफरेंस टू आएगा। इस टू से नीचे मल्टीप्लाई करना है हमको नीचे के रेशियो में, तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर और ये हो जाएगा टू वन जा टू। पुराने वाले रेशियो को आप तुरंत हटा दें। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर श्याम तीन था, यहाँ श्याम हो गया है चार, वन का डिफरेंस आया है। यहाँ पर राम वन था, यहाँ पर राम हो गया है टू, वन का डिफरेंस आया है। अब डिफरेंस वन वन का हो गया है और ईयर में डिफरेंस कितने का है, ट्वेंटी का है, तो वी कैन से दैट वन रेशियो की वैल्यू ट्वेंटी ईयर। वन रेशियो की वैल्यू क्या है, ट्वेंटी ईयर है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। अगर वन वैल्यू, वन की वैल्यू ट्वेंटी है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि श्याम की प्रेजेंट एज बता दो, तो हमने देखा कि प्रेजेंट एज का रेशियो तो हमारे पास है नहीं। अगर प्रेजेंट एज का रेशियो होता तो क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बना ले जाते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, श्याम की उम्र या तो हम 10 साल पहले की पता कर लें या तो 10 साल बाद की पता कर लें। हम 10 साल पहले की अगर पता करते हैं तो हम यहाँ 20 से गुणा कर देते हैं, यहाँ की उम्र हो जाएगी 60। तो अगर श्याम 10 साल पहले 60 ईयर का था, अगर श्याम 10 साल पहले 10 ईयर बिफोर 60 ईयर का था, तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। इसका मतलब श्याम प्रेजेंट में कितने ईयर का है, 70 ईयर का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 70। तब तक एक लोगों की आवाज आएगी, सर नीचे से लगा के दिखाओ, तो हम यहां से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो हमें पता चला कि श्याम जो है वो आफ्टर टेन ईयर कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। तो 10 ईयर बिफोर कितने का रहा होगा, फिर हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन टाइप नंबर 6 का। उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जैसा कि आपको पता है एक हमारा क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन आपके होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अगला जो वो आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लीजिएगा। आइए अब चलते हैं आगे और अगले टाइप की हम बात करेंगे। टाइप नंबर ये हो जाएगा हमारा 7। टाइप नंबर आपके सामने है 7। तो सुंदर सी काले पेन से अच्छी सी हेडिंग लगा लो, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया है कि श्वेता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का जो सम है वो 63 ईयर है। श्वेता है और उनकी माँ की जो उनकी मदर है, मतलब उनकी माँ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मदर। उनकी जो मदर का एज का सम है वो कितना है, 63। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है, ठीक है। फिर कह रहा है चार साल पहले का डिटेल इन्होंने हमें बताया है, बिफोर फोर ईयर इन्होंने हमें क्या बताया कि श्वेता की जो आयु की 4 गुना थी उनकी माँ, मतलब अगर श्वेता की उम्र 1 रही होगी तो माँ कितनी होंगी, 4। अगर श्वेता की उम्र 1 रही होगी तो माँ कितनी होंगी, 4। ये क्वेश्चन में गिवन है, इतनी जानकारी आपको क्वेश्चन में है और आपसे बोला है कि माँ की आयु क्या है। अब आपको बताना है कि माँ की आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, आप ध्यान से समझो। इसका एक तरीका है कि हम एक्स से लगा लें। एक्स से कैसे बनाएंगे, हम एक्स से भी बताते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि श्वेता जो थी वो 4 साल पहले कितने की थी, एक्स की, और माता जी कितने की थी, 4x की। तो ये जो सम दिया है वो वर्तमान का है और ये जो रेशियो है वो 4 साल पहले का है। तो जहां का सम है हम वहां इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो जब श्वेता को हम यहां लाएंगे, 4 साल बाद लाएंगे, तो श्वेता की उम्र जो होगी वो 4 साल बढ़ चुकी होगी, क्योंकि हम बाद जा रहे हैं, 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम श्वेता की माँ को पीछे लेके आएंगे तो श्वेता की माँ की उम्र भी 4 साल बढ़ चुकी होगी और दोनों का योग 63 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लगाएंगे x और ये 5x हो जाएगा, ये 4 4 8 उस साइड जाएगा, ये उस साइड जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अगर x की वैल्यू 11 आ जाएगी तो हमसे कह रहा है उसकी माँ की एज बतानी है, और आप देख सकते हो कि माँ की एज ये है, तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44 प्लस 4,
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, 48 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 48 है। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने एक्स मान के सॉल्व कर लिया। अगर आप इसे एक रेशियो के मेथड से लगाने का प्रयास करते तो आप कैसे करते, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसे रेशियो के मेथड से लगाने का प्रयास करते तो आप कैसे करते, आप ध्यान से सुनिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसे और आसानी से कैसे कर सकते थे। तो आपको जब रेशियो से लगाना है तो आप टारगेट करो कि ये रेशियो कहाँ का है, 4 साल पहले का। तो जब भी आप रेशियो मेथड का यूज करोगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में जहां का रेशियो दिया है वहां का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। जहां का रेशियो दिया है वहां का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो रेशियो दिया है 4 साल पहले का, तो इसको हम 4 साल पहले ले चलेंगे। 4 साल पहले ले जाएंगे तो लोग गलती से क्या करते हैं, इसमें 4 कम कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि 4 नहीं कम होगा, 4 8 कम होगा, क्योंकि हम 4 साल पहले जा रहे हैं और यहाँ पर 2 लोग हैं। जितने मेंबर होते हैं सबका उतना कम होता है और उतना ही जुड़ता है। तो इसमें से हमने क्या किया, 8 माइनस कर दिया। और जब हमने इसमें से 8 माइनस किया तो हमें यहां का जो सम मिला वो कितना मिला, 55। यहां का जो सम मिला वो कितना मिला, 55 मिला। इसका मतलब 4 साल पहले श्वेता और उनकी माँ का जो योग रहा होगा वो कितना रहा होगा, 55 रहा होगा। और उनका रेशियो कितना है, 1:4 है। तो अगर माँ की उम्र 4 होगी तो श्वेता की 1 होगी, माँ की 4 होगी श्वेता की 1 होगी। तो इनका जो रेशियो का सम है वो कितना हुआ है, 5। और 5 की वैल्यू ही तो 55 है। अगर 5 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, अगर 5 की वैल्यू 55 है तो 1 की वैल्यू हो गई 11। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 44। और जैसे आप 44 ऑप्शन में देखोगे तुरंत आंसर कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 44 जो आया है वो तो 4 साल पहले का आया है। 44 जो आया है वो तो 4 साल पहले का आया है। हम इन्हें लाएंगे वर्तमान में और इन्हें वर्तमान में लाने के लिए 4 और ऐड करेंगे। और जैसे ही आप 4 ऐड करोगे आप पहुंच जाओगे अपने आंसर पे और माता की उम्र हो जाएगी 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। आपने देखा कि टाइप नंबर 7 के सवालों को हम कैसे हैंडल करते हैं और हम उन्हें कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे, हमने 2 तरीके डिस्कस किए हैं, दोनों आपको आने चाहिए। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे के 2 क्वेश्चन आपके हैं, आप उन्हें अच्छे से समझ लें और उन्हें अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और अगला क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर जो है आपको ये भी बनाना है। तो ये आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपको बनाने हैं, सेम पैटर्न पे हैं, सेम इसका डेटा है, डेटा थोड़ा सा चेंज है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे और ये हो गया हमारा टाइप नंबर 7। अगर ये हमारा टाइप नंबर 7 कंप्लीट हो गया है तो अब हम चलेंगे टाइप नंबर 8 की तरफ। तो आगे हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 8, तो सुंदर सी हेडिंग लगाओ टाइप नंबर 8। तो आगे चलेंगे और टाइप नंबर 8 के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए। पहले तो आप टाइप नंबर 8 के सुंदर से प्रश्न को, जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप इस प्रश्न को पहले क्या करें, बहुत प्यार से पहले इसे आप पढ़ लें। अभी देखते हैं टाइप नंबर 8, और टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/3 टाइम्स है, उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/6 टाइम्स है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आप ध्यान से समझें। सबसे पहले बोला है कि बी का विवाह जो हुआ था वो 9 ईयर बिफोर हुआ था, 9 वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब ये है कि अब की उम्र और विवाह के समय की उम्र में 9 साल का अंतर है, क्वेश्चन तो ये बता रहा है। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है अब उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र की 1/3 गुना होगी। 1/3 गुना का मतलब हो गया 4/3 टाइम्स। 4/3 टाइम्स इसका हो गया है मतलब। ठीक है, तो 4/3 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि अगर वो शादी के समय, अगर आप x मानोगे, अगर शादी के समय x मानोगे तो अब कह रहा है उसका कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हमने आपको टाइप नंबर 1 में सिखाया था कि इसको हम कितना मानेंगे, हम मानेंगे शादी के समय वो कितना होगा,
3x होगा, ये बात आपको समझाई गई थी। तो वो अब कितने का होगा, प्रेजेंट में कितने का होगा, 4x का होगा। और यहाँ का अगर हम अंतर देखें तो कितना आया है, x आया है। हमारे हिसाब से 1 साल पहले शादी हुई थी और आपके क्वेश्चन में कह रहा है 9 साल से पहले शादी हुई थी, इसका मतलब x की वैल्यू ही कितनी है, 9 है। अगर x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो वो अब कितने साल का है, 9 चौक 36, 36 ईयर का इस समय है। बी जो है, बी की उम्र इस समय कितने साल की है, 36 साल की है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसका पुत्र कितने का है, तो 1/6 है। तो 1/6 ऑफ द प्रेजेंट एज, 1/6 इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उस लड़के की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, 6 ईयर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना भी आपको लिखना नहीं होता है, आप केवल यहां से उठाओ जो ये 4/3 दिया है, यहीं से काम करो। आप यहाँ का अंतर लो कितना आया है, 1, और ये 1 जो अंतर होगा, रेशियो का जो अंतर होगा वो इसके बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू 9 हो गई, 4 की वैल्यू हो गई 36, और 36 का 1/6 इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। और जब हम टेस्ट लेंगे तो हम पूछेंगे उसके लड़के की 2 साल बाद की उम्र बताओ, तो प्रेजेंट में हम 2 और ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अभी इसका सही आंसर क्या है, 6 है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हू बहू वैसा ही है, सेम वैसा ही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। क्लियर, यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। अगला जो टाइप है हमारा वो क्या है, टाइप नंबर 9 है। और टाइप नंबर 9 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइप नंबर 9 का। और टाइप नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए तो एक वर्ड आया है एवरेज, एक वर्ड आपके सामने आया हुआ है क्या, एवरेज। तो हमें पहले एवरेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। औसत क्या होता है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में नंबर, मतलब बटे में संख्या, मतलब कितनी संख्याओं को आपने जोड़ा है। तो संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नीचे हो जाएगी संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो इसको हम अगर शॉर्टकट में लिखें, ए फॉर एवरेज, एस फॉर सम, और एन फॉर हो जाएगा नंबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सम बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एवरेज के सवालों को देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें सम ही निकालना पड़ता है, उसमें सबसे पहले आपको सम निकालना पड़ता है। तो हम सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने के लिए नंबर और एवरेज का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सम आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, हमने कहा जैसे हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट, हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, और क्लास का जो एवरेज है, क्लास का जो एवरेज एज है वो कितनी है, 15 ईयर है। क्लास की जो एवरेज एज है वो 15 ईयर है, बताओ पूरी क्लास का सम कितना होगा, पूरी क्लास का सम कितना होगा। तो आप कहोगे सर सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 × 15 कर देंगे, 15 × 30, 300 जो आएगा वो पूरी क्लास का सम होगा, मतलब सभी बच्चों का योग कितना होगा, 300 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम सम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज का जब भी कोई सवाल आएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले सम निकालने का प्रयास करोगे, अगर आप बेसिक से लगाओगे तो, अगर ट्रिक से लगाओगे तो कोई बात ही नहीं, फिर आपको सम नहीं निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने कि किसी परिवार में पिता और माता की जो औसत आयु है वो 38 है। अगर मदर और फादर का जो सम है वो कितना है, एवरेज कितना है, 38 है। तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 मेंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 16, और ये हो जाएगा 76। मतलब माता और पिता की जो उम्र का योग कितना है, 76 है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जबकि इनके पिता मतलब फादर और मदर और डॉटर, इकलौती पुत्री का जो एवरेज है वो कितना है, 28 है। अब यहां पर 28 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से, 3 मेंबर है यहां पर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 8 × 3 = 24, 3 × 6 और कितना हो जाएगा, 28 कितना हो जाएगा, 84।
28 से कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो डॉटर है उसकी एज बताओ। डॉटर की एज हम कैसे बताएंगे, लड़की की उम्र कैसे बताएंगे? तो आप देख लो कि इसमें थ्री मेंबर हैं, इसके अंदर थ्री मेंबर हैं और इसके अंदर टू मेंबर हैं, तो अगर 84 से मैं माइनस कर दूं 76, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 ईयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 ईयर, 8 वर्ष, 8 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपको एवरेज का बेसिक बताया कि एवरेज क्या होता है। एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 और टाइप नंबर चल रहा है 9। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि ए और बी की औसत आयु कितनी है, 30 ईयर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसे बनाएंगे। ए और बी की औसत आयु कितनी है, 30 ईयर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए प्लस बी का एवरेज अगर 30 है तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है क्या कि बी और सी की औसत आयु 32 है, तो हम यहाँ करेंगे बी प्लस सी बराबर 32 इंटू 2 करेंगे, 64 आ जाएगा। अब कह रहा है कि सी और ए की जो औसत आयु है वो कितनी है, 34 है। अगर सी और ए की औसत आयु 34 है तो 34 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये किसी एक की उम्र पूछेगा, या तो ए की पूछेगा, या तो बी की पूछेगा, या तो सी की पूछेगा। तो हमें यहाँ पर सी की उम्र पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछा है सी की उम्र बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर देते हैं। जब इसे ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स यहाँ पर ए आएगा, 2 टाइम्स बी आएगा और 2 टाइम्स सी आएगा। इसे ऐड करोगे 8 4 12, 6 3 18, 192 आएगा। इधर सब 2 2 बार है तो हम कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 192। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 12। तो हमें मिला क्या कि ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है 96 है। मतलब अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। लेकिन आपको तो चाहिए सी की एज, अगर सी की चाहिए तो यहाँ से ए बी का योग हटा दो और ए बी का योग कितना है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी की उम्र निकालने के लिए 96 माइनस 60 कर देंगे और आंसर हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी नंबर। तो ये हमने आपको बेसिक तरीका बताया, ये हमने आपको बेसिक तरीका बताया कि इसे हम ऐसे बना सकते हैं। अब थोड़ी सी इस पे हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो आपके क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी का जो योग है एवरेज कितना है, 30 है। बी और सी का जो एवरेज है वो कितना है, 32 है। सी और ए का जो एवरेज है वो कितना है, 34 है। और हम यहाँ से किसी की भी एज निकाल सकते हैं, ए की, बी की और सी की। अगर हमें सी की एज चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ देखो दो इक्वेशन में सी नहीं है, दो इक्वेशन में सी है और एक इक्वेशन में सी नहीं है। तो अगर हमें सी की उम्र बतानी है तो जिसमें सी है उन दोनों को आप ऐड कर लो, जिसमें सी है उन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 66। और जिसमें सी नहीं है, उसे माइनस कर दो तो हमें सी की एज मिल जाएगी 36। 36। इसी प्रकार हम ए का भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार बी का भी निकाल सकते हैं। अगर ए का निकालना होगा तो जिसमें जिसमें ए होगा उन दोनों को जोड़ लेना और जिसमें ए नहीं है उसे माइनस कर देना और उसका कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर हमें यहाँ पर सी का चाहिए तो सी का तो हमने निकाल दिया। अगर हमें बी का चाहिए तो बी के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, इसमें बी नहीं है, तो जिसमें जिसमें बी है उसे हम ऐड करेंगे और जिसमें बी नहीं है उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बी की एज आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे टाइप नंबर 9 का। ठीक है, तो अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो आप अब जम के प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएं, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे